हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको स्वागत है जोशना रनिंग पॉइंट में। तो ले आई हूँ आज भी एक और अर्निंग की वीडियो। बहुत बंदों की रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम पे मेरे पास कि मैम कोई अर्निंग की एक और वीडियो और वीडियोस लेके आई है अर्निंग के बारे में बताएं। तो ठीक है, आज एक और वेबसाइट के बारे में बात करेंगे हम अर्निंग की, जिसका नाम है सॉल्वलेंसर। ठीक है, सॉल्वलेंसर के बारे में बात करेंगे कि इसमें इसकी पूरी मेथड के बारे में हम जानेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो स्किप कर दी तो एक भी पॉइंट आपके हाथ से निकल गया तो आप कर नहीं पाओगे इसमें कुछ भी। मैं बता देती हूँ पहले इसमें हम क्या क्या जानने, पहले वीडियो में क्या क्या समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि सॉल्वलेंसर क्या कैसे काम करता है, एंड क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं इसमें काम करने के लिए हमें, एंड क्राइटेरिया क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कितनी है, क्या एलिजिबल होना चाहिए हमें इस वेबसाइट पे काम करने के लिए, पेमेंट प्रूफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, गाइडलाइन समझेंगे इसकी। तो सारे पॉइंट टू पॉइंट हम जानेंगे और लास्ट में मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, बहुत सिंपल मेथड है। एंड पेमेंट प्रूफ के बारे में बहुत अच्छे से आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स, ये बहुत गलत बात है कि मेरी वीडियोस आप देख रहे हो बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर आपको थोड़ी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे इस चैनल पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करेंगे, पहले हम जानेंगे कि हाउ टू वर्क, सॉल्वलेंसर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं 6 से लेकर 12 तक लेकर, और बहुत सारे सब्जेक्ट के उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इस ये वेबसाइट हमें वो क्वेश्चंस देखती है और उस क्वेश्चन को हमें उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता है। उसके हमें पैसे मिलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड ही है ये भी, उसमें से कुछ। हाँ, इसमें जो पेमेंट है बहुत कम थोड़ी है, बट ना होने के हिसाब से तो बेटर ही है। ठीक है, तो इसमें ऐसे वर्क करते हैं, इसमें बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन है। इसके रिव्यूज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आप इसके वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रिव्यूज़ मिलेंगे। ये इसलिए क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात करी, मेरी फ्रेंड है, उसके रिव्यू के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो उन्हें पता चला कि कुछ टाइम पहले ये वेबसाइट काम करना बंद हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 1-2 मंथ के लिए वेबसाइट बंद थी। तो इस वजह से कुछ लोगों के पेमेंट रुक गई और उसके बाद उन्होंने नेगेटिव कमेंट करे, नेगेटिव रिव्यूज़ दिए। तो इस वजह से इसके बहुत रिव्यूज़ बहुत गलत आए, बट अब ये नेगेटिव पॉजिटिव आने लगे हैं, बिकॉज अब ये अच्छे से वर्क करने लगी है। और इस टाइम अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि अब उस पर पहले वेबसाइट पे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बट अब मैंने चेक किया उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट ऐसे काम करती है, आपको ये तो समझ में आ गया कि इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग के हिसाब से काम किया जाता है। बहुत रजिस्ट्रेशन इसका बहुत इजी है। तो ठीक है, हम क्राइटेरिया जान लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, मींस कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका एक ऐप है, फिर उसको लॉगिन कर, उस पर अपना नंबर और ईमेल आईडी चाहिए आपको इसके लिए, उससे आपको इस पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा ईमेल आईडी और नंबर। फिर उसके बाद लॉगिन करने के बाद कुछ, जब ये लॉगिन कर देंगे, मींस कि आप जब वेरीफाई कर देंगे तो आपको ये प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ती है। प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद स्किल के बारे में पूछेंगे, वो कंप्लीट करेंगे, और आपके कुछ बैंक अकाउंट के डिटेल्स मांगेंगे, तो वो पूछेंगे। वो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप बाद में भी भर सकते हैं, कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल और स्किल डिटेल कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद है एलिजिबिलिटी, कि आपको एलिजिबल क्या क्या चाहिए इसके लिए। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, बीए कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, एंड बी कॉम कर रही है, बी टेक कर रही है, कुछ भी कर रही है, आप एलिजिबल हो इस पे काम करने के लिए। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये भी हाँ पूछोगे कि ऐसे कैसे कोई भी वेबसाइट हमें काम दे देगी, कुछ तो टेस्ट वेस्ट होगा। तो हाँ बिल्कुल, आपका टेस्ट होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है आपका, कोई डेमो वेमो टाइप्स कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जब इसके ये सारे क्राइटेरिया पूरे कर देंगे इनके, उसके बाद 2 टेस्ट होते हैं इनके। तो अब टेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। तो सब्जेक्ट है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे और आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। पेमेंट प्रूफ के बारे में आपको बाद में बताऊंगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही दो तरह के आपको टेस्ट देने पड़ेंगे इसको ज्वाइन करने के लिए। पहला टेस्ट होगा आपका गाइडलाइन टेस्ट। एक गाइडलाइन टेस्ट होगा जिसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 6 क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने ही देने हैं। टाइम तो टेंशन मत ले, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो भी जाता है तो दोबारा से मल्टीपल टाइम है, आप दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 में से 6 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए तभी वो टेस्ट पास आप कर पाओगे। टाइम आप और ज़्यादा ले सकते हो, मीन्स कि आप एक बार के अगर फेल नहीं होता, आपका चांस नहीं लग पाता, तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और जो दूसरा टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट टेस्ट होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट का आंसर आप देने की कोशिश कर रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट होगा आपका एक, जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे उसके बारे में हम। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में बात और टेस्ट के बारे में कि आप कैसे ज्वाइन करोगे इसमें। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें रिक्वायरमेंट्स कैसे आते हैं, तो बहुत इजी है, रिक्वायरमेंट्स आपकी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आ जाएंगे बिकॉज। ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसका ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको नंबर से इसको वेरीफाई करना है, OTP आएगा उससे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद आपको ये क्राइटेरिया ये फिल करने पड़ेंगे सारे, ये फिल करेंगे आप जैसे अपनी प्रोफाइल, अपनी स्किल्स और अपनी बैंक डिटेल्स, ये डालने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोनों क्वेश्चंस देने पड़ेंगे, दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट दे देंगे तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पेमेंट के बारे में बात करते हैं कि पेमेंट कैसे करती है, पेमेंट हमें कैसे करती है। तो बहुत सिंपल मेथड है इनका, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं कि आपको मंथली पेमेंट देंगे ये, तो आपको डाउट हो सकता है, बट ये वीकली पेमेंट करते हैं। जैसे आपने एक वीक में, हाँ लेकिन एक चीज़ याद रखना, वीकली पेमेंट भी आपको तब मिलेगी जब आपका प्राइस या वर्क का मनी 300 से ज़्यादा हो जाएगा, तभी आपको वो पेमेंट करेंगे। 1 वीक में उनका एक बार ही पेमेंट आ जाए, जैसे इस बार आपका फ्राइडे को पेमेंट आया तो नेक्स्ट भी फ्राइडे को आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इसके लिए और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपल अकाउंट चाहिए या कुछ चाहिए, नो, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, जो डिटेल्स आप वहाँ भरो फिल करोगे। ठीक है, तो ये होगा पेमेंट की बात। तो एक और बात कर लेते हैं पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में कि किस क्वेश्चन पे आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो चेक किया क्वेश्चंस के बारे में वहाँ पे पढ़ा, क्वेश्चन से मेरे को ये पता चला कि 8th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस में उन्होंने प्राइस दे रखा है 10 से लेके 11 रुपीज़, 10 to 11 रुपीज़। ठीक है, और जो 10th से 12th के क्वेश्चंस दे रहे हैं वो लोग आपको, तो उन्होंने प्राइजेस में दे रखा है 15 से 16 रुपये, 15 to 16 रुपीज़। ठीक है, और अगर आप उससे हाई लेवल के क्वेश्चन करते हो कि ऐसे कोई दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हो बड़े इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको 22 से 21 रुपये मिलेंगे, 21 to 22 रुपीज़ मिलेंगे वो दे रहे हैं आपको। बहुत इजी है, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप आंसर भेजते हैं उनको उसी टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा उनका या आपको पेमेंट मिल जाएगी, नो, पहले उनकी जो टीम है वो पूरा आपका प्रोसेस चेक करेगी, आपका आंसर चेक करेगी कि उनकी गाइडलाइन, उनकी जो एक गाइडलाइन है मैंने बताया ना स्टडी में गाइडलाइन, उसमें गाइडलाइन दिखाऊंगी, उन गाइडलाइंस को पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर भेजना है भेजना है, बिल्कुल प्लेन सिंपल पेज पे भेजना है। एक चीज़ याद रखें, अगर आप टाइप करते हो तो आप मोबाइल से आपका काम नहीं चलेगा, आपको पीसी चाहिए, पीसी लैपटॉप आपको चाहिए ही चाहिए टाइपिंग के लिए। और अगर आप पेज की फोटो क्लिक करके भेजते हो तो बिल्कुल प्लेन पेज होना चाहिए, मीन्स कि लाइनों वाला नहीं चलेगा, प्लेन पेज होगा और पहला टू पहला लाइन लिखनी, पहला लाइन लिखनी है आपको, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना। तो गाइडलाइंस आपको बता दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ भरना है। ठीक है, तो ये होगी इन सब चीज़ों की बात। तो ठीक है, अब आपको प्रोसेस बता देती हूँ। आपको यहाँ देख रहे हैं जो आपको पहला टेस्ट होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, मीन्स आपको 7 क्वेश्चन होंगे उसका गाइडलाइन टेस्ट बता रही हूँ, 6 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, आपको 5 के आंसर देने पड़ेंगे। उनकी ये गाइडलाइन है जो आपको जाना बहुत ज़रूरी है, इन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर्स देने हैं, तभी आपका जो आंसर होगा वो पास करेंगे आगे के लिए। पास करने के बाद आपको, हाँ ये मत सोचना कि आपको पेमेंट के बारे में बताएंगे ही नहीं, क्योंकि वीकली पेमेंट है, आपको मैसेज या कुछ भी मेल या कुछ भी आ जाएगा, वो पेमेंट के बारे में पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में या आपके पूरे उनके वॉलेट में इतने पैसे जुड़ गए हैं, 300 होने के बाद आपके अकाउंट में 1 वीक में वो ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपको प्लीज इस वेबसाइट पर ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल वेट ना करें, अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वेबसाइट पर जाके अभी ही लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा
लोगों को अभी वेबसाइट पता चल रही है, तो जल्दी से जाके लॉग इन कर लीजिए और सब्जेक्ट्स थोड़ा सोच समझ के ही चॉइस करना, क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स इस रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा आ रहे हैं मैंने जितना चेक करा है, तो बहुत हिसाब से आप ज्वाइन कर लेना अपने अकॉर्डिंग, तो ठीक है आप वेबसाइट पे लॉग इन कर लीजिए। और कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और इसमें से इंस्टाग्राम पे भी बात करके आप जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वारी हैं, आप पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो दूसरों के भी हेल्प कीजिए मेरी वीडियो को, और शेयर कीजिए और दूसरे लोगों का भी वेबसाइट के बारे में बताइए। ठीक है, बाय बाय।